कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आवाम को धोखेबाजों से होशियार रहने की जरूरत। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले शातिर दो अफराद को धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेश है खबर की तफसील। श्याम सुंदर कोदाड़ और वासुदेव नायडू को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस मिस्टर वीवी श्रीनिवास राव के मुताबिक मस्कुरा धोखेबाज ई कैश थ्रेट सिक्योरिटी के नाम पर आवाम को लालच का झांसा देकर भोली भाली आवाम को धोखा दे रहे थे। मुख्तलिफ स्कीमात रोशनास करवाकर 100 दिन के मुद्दत में रकम को दुगनी वापस करने की पेशकश की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में धोखेबाज बाकायदा वेबसाइट के जरिए रकम जमा करवाना और फिर वेबसाइट के जरिए मुनाफा हासिल करने का सिस्टम भी मुतारुफ करवाया था। हैरत तो इस बात की है कि अवाम बिला सोचे समझे 6,500 बैंक खाते यानि अरकान मेंबर्स भी तैयार कर लिए थे, जिनके जरिए वो मेंबर्स से जुमला 4,58,00,000 रुपये भी हासिल कर लिए थे। बहरहाल पुलिस ने मुलजमीन के पास से 6,00,000 नकद रकम, जेवरात व साजो सामान के अलावा बैंक खातों में जमा रकम 1,73,00,000 रुपये भी जब्त कर लिए। तो नाजरीन देखते रहिए और सुनते रहिए आपकी आवाज़ यानि ASJ न्यूज़। क्राइम टुडे न्यूज़ के शुक्रिया के साथ चीफ एडिटर जावेद की ये रिपोर्ट। सेंट्रल टीम इंस्पेक्टर बेस्जो आज कमिश्नर टास्क फोर्स बेस्जो गटुमल्लू इंस्पेक्टर के लीडरशिप में मल्लिकार्जुन किशोर भास्कर रेड्डी सब इंस्पेक्टर्स मधु पीसी अली हेड कांस्टेबल इन सब लोग राधा किशन राव साहब डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स इनका गाइडेंस लेते हुए एक बहुत अच्छा मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम डिटेक्ट किए थे, चीटिंग डिटेक्ट किए थे, जिसमें दो एक्यूज्ड हैं। एक श्याम सुंदर जो कुदाड़ का रहने वाला, वो पहले कांस्टेबल भी रह चुका है, APSP 6th बटालियन में काम करता था, फिर 2003 में काम छोड़ के छोटे छोटे बिजनेसेस करने लगे, बाद में थोड़ी देर के बाद इन्होंने रियल एस्टेट भी किया था। ऐसे ओशन ब्लू करके एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चैतन्यपुरी में चलाया, बाद में मल्टी मैक्स करके बेंसर की विजयवाड़ा के पास एक चलाया था, जिसके ऊपर जिन दोनों के ऊपर कोई केस नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया था, केस नहीं था, इन दोनों में इन्होंने ह्यूज मनी कलेक्ट करके भाग गया। बाद में हमारा एक्यूज दो पी वासुदेव नायडू जो फिल्म फील्ड में एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनका मुलाकात हुई 2017 में इनको श्याम सुंदर को, दोनों मिलके जनवरी में हैदराबाद नामपल्ली में ई कैश ट्रेड सिक्योरिटीज करके एक नया मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम शुरू किए थे। इसमें स्कीम में सिंपल सा बताना है तो 10,000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो एक दिन में 200 रुपये आपको लगातार 100 दिन मिलते रहेंगे, डबल मिलते रहेंगे। 10,000 रुपीज का स्कीम को सिल्वर पैकेज बोलते हैं, 30,000 जब आप एक ही बार पे करके दिन में 300 लेते हैं 100 दिन के लिए, इसको गोल्ड पैकेज, आगे जाके 70,000 जब पे करेंगे उसको प्लैटिनम पैकेज बोलेंगे, 1,50,000 का एक पैकेज है जिसको डायमंड पैकेज बोलते हैं, जिसमें आपको दिन में 3,000 मिलते हैं। उनका प्रॉमिस के मुताबिक दिन में 3,000 में से 100 दिन मिलेंगे। इसके साथ साथ डायमंड पैकेज वालों को इन्होंने एक स्पेशल ऑफर दे रखा है, जिसमें 100 स्क्वेयर यार्ड्स का एक प्लॉट है यादगिरी गुट्टा में, कलनुपा का विलेज में यादगिरी गुट्टा के पास, वहाँ इन्होंने रजिस्टर भी कर रहा था जो डायमंड पैकेज ले रहे हैं। इन्होंने एक वेबसाइट ओपन किया था www.ecashfund.com। एक प्रिकॉशन ये भी लिया, ये इसको असम से पोस्ट किया है, असम राज्य से गुवाहाटी से पोस्ट करवाया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मुश्किल होता,
तो इन्होंने क्या किया, चार बैंक अकाउंट्स खोला, यस बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, वेबसाइट के सहारा से जो भी डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं, पेमेंट्स भी ऑनलाइन होते थे। तो इन्होंने जनवरी फरवरी में काम करते हुए 4.5 करोड़ तकरीबन कलेक्ट किया, जिसमें पेमेंट्स भी कर रहा था, थोड़ा खर्चा भी हुआ, होने के बाद 2 करोड़ तकरीबन, जिसमें 1.73 करोड़ बैंक डिपॉजिट्स के रूप में, बाकी जो है 6 लाख का कैश है, नकद है, और बाकी इक्विपमेंट वगैरह ये सब मिलके तकरीबन 2 करोड़ का हम जब्त आज किए हैं। तो इसमें प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट और चीटिंग सेक्शन जो है 420 का आईपीसी का, वो भी लगेगा। और इसके साथ साथ मैं मीडिया के द्वारा सिटीजन्स को एक विज्ञप्ति करना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में मत जाइए। कोई भी आपको इतना बड़ा रिटर्न देता हूँ करके कोई भी बोलता तो इससे भरोसा मत रखिए। आपको कोई ऐसा शक होता इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, हमारा मार्केटिंग यूनिट है जो सीसीएस में काम करता है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। और जो भी इन जैसे सेलिब्रिटीज को ला के या बहुत कम दिनों में बहुत पैसे आपको रिटर्न आएंगे करके जब भी बोलते हैं, वो शक करिए, पुलिस के नोटिस में लाइए, हम चेक उनके खिलाफ एक्शन भी कर सकते हैं। जो टीम आप हमारा इतना अच्छा काम किया उनका बधाई देता हूँ और उनका रिवार्ड के लिए भी इंतजाम। बाकी जो है नौकरे जैसे कोई हो सकते, मतलब जो इनके क्लर्क्स हो सकते, सर्वेंट्स हो सकते, जो रखे होंगे पैसे दे के, तनख्वाह दे के रखे होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते ना। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने खरीद के जो भी डायमंड स्कीम में जाना चाह रहे थे उनको करते जा रहा, जिसमें 5 प्लॉट ऑलरेडी उन्होंने रजिस्टर किया, 50 को कोई नुकसान नहीं हुआ, बढ़कर थोड़ा फायदा भी हुआ, पहले जो पिरामिड में ऊपर है, बाकी 350 मेंबर्स को नुकसान हुआ। शिकायत के हिसाब से कितने लोग अभी तक आप एक शिकायत, बहुत लोग शिकायत करते हैं, लेकिन एक शिकायत को लेके हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं सबको मदद होता है, सबको कोर्ट के द्वारा पैसे वापस चले जाए, जितने पैसे हैं उनका बंटवारा कैसे करना है कोर्ट फैसला करेंगे।